दोस्तों आज हम बात करेंगे पैरा कमांडो वर्सेस मार्कस कमांडो, कौन कमांडो ज़्यादा खतरनाक है। बात करें पैरा कमांडो की। पैरा कमांडो का गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई के दौरान किया गया था। यह भारत की सबसे ज़्यादा शिक्षित और मजबूत कमांडो फोर्स है। कारगिल युद्ध के दौरान पैरा कमांडो फोर्स ने पाकिस्तान को झूल चढ़ाई थी। इन्हें हवाई लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी खास बात यह है कि 30 से 35 हज़ार की ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं। पैरा कमांडो ट्रेंड कमांडो को स्पेशल यूनिफॉर्म दी जाती है। इस यूनिफॉर्म का हल्का रंग इन्हें रेगिस्तान में छिपने और डार्क रंग हरियाले में छिपने में मदद करता है। इस फोर्सेज में उन्हीं कमांडोज को शामिल किया जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा तेज और होशियार होते हैं। इनकी ट्रेनिंग के समय 65 किलो वजन लाद कर कई किलोमीटर की दौड़ कराई जाती है। बात करें मार्कोस कमांडो की। मार्कोस कमांडो का गठन 1987 में किया गया था। मार्कोस कमांडो दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडो फोर्स में मार्कोस कमांडो का नाम आता है। मार्कोस कमांडो जल थल और वायु सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। यह बहुत ही सफल और मजबूत कमांडो में से एक है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी के कमांडो है। मार्कोस कमांडो राइफल स्नाइपर से लेकर सभी हथियार चलाने में माहिर होते हैं। आपको बता दें मार्कोस कमांडो बिना हथियार के भी और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मार्कोस कमांडो में 20 साल के 10,000 युवा सैनिकों का सिलेक्शन हो जाता है। यदि आप मार्कोस कमांडो के हाथ पैर भी बांध ले फिर भी वह तेजी से तैर सकते हैं। दोस्तों आपको कौन से कमांडो अच्छे लगते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब।